शादी का पार्टी भी देंगे ना भाई, बिना लिए छोड़ेंगे नहीं, है ना मम्मी जी? अब आप तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होगा। एंड फाइनली दो तीन रोज से मैं सोच रहा था गोरखपुर जाऊं, भाई सोच ही रहा था, जा नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली मैं निकल रहा हूं हाजीपुर के लिए। हाजीपुर से फिर हमें जाना गोरखपुर, तो फिलहाल हमें छोड़ने के लिए जा रहे विकास भाई, है ना? तो अभी फिलहाल चलते हैं बाइक से, एंड बाइक से फिर सेतु पुल पे जाके हम लोग ऑटो ले लेंगे, वहाँ से गोरखपुर आराम से चलेंगे। एंड हमारा जो ट्रेन है 11:30 बजे, चलो आराम से चलेंगे। भैंस क्या, किधर ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, सेतु पुल पर जा रहे हैं, सेतु पुल पर अभी नया नया बन चुका है ना, तो मतलब सारा ट्रैफिक खत्म हुआ होगा। अभी जस्ट हम लोग पुल पार किए, पुल पार करने के बाद आ रहे थे हम लोग वैशाली जिला में, उधर तो पटना जिला है। और कितना मस्त लग रहा था यार, विकास भाई आए थे हमें छोड़ने के लिए, काफी अच्छा लगा, कितना दिन रुके इनके यहाँ, काफी अच्छा लगा। चलो भाई साहब, अभी फाइनली पहुंच चुके हैं हाजीपुर, अभी यहां से हम लोग निकले हैं गोरखपुर। हम लोग का प्लान भी है नेपाल उपाल जाने का, बहुत बहुत बड़ा भाई, मस्त। तो बस अभी चलते हैं स्टेशन पे, अभी यार हम सोचे कि ट्रैफिक लगा रहेगा तो लेट हो जाएगा, बट हम लोग 1.5 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। कोई नहीं, 1.5 घंटा तक कुछ अभी फिलहाल खाना पीना भी खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। और विकास भाई को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमें छोड़ने आए यहाँ तक। फिलहाल विकास भाई तो चला गया, एंड हम अभी फिलहाल कुछ खाना पीना खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ट्रेन पर फिर तो जाना ही है। तो फिलहाल का सीन ऐसा, अभी आ चुका होटल में, इधर हमारे खाना आ चुका है दाल चावल, भाई इसके बिना तो जिंदगी अधूरा सा लगता है, खाए नहीं तो दाल चावल खा लेते तो शाम तक तो निश्चित ही हो जाएंगे। तो फिलहाल भाई साहब हमारा खाना पीना हो गया कंप्लीट, अभी फिलहाल चलते रेलवे स्टेशन की ओर। यार अभी आ चुके हैं स्टेशन पे, अभी 1 घंटा टाइम है हमारे ट्रेन आने का, बस वेट करते हैं 1 घंटा किसी तरह से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएंगे, तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं। फिलहाल गाइस अभी ट्रेन में तो आ गया, तब अभी हम पहुंच चुके हैं छपरा, एंड जिधर वाला हम कोच में जा रहे थे ना भाई साहब, इतना भीड़ था, बहुत ही रास्ता। फिलहाल हम आगे चलते हैं आगे वाला कोच में, यहाँ पे बहुत भीड़ था, रहा नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैं कोच चेंज कर रहा हूँ, शायद उसमें कम भीड़ हो। तो फिलहाल भाई साहब अभी हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर। एक्चुअली गोरखपुर क्यों आए वो तो शायद आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो पता है। हम लोग कुछ प्लानिंग पर चल रहा है, तो अभी फिलहाल यहाँ से जाना था हमें दीपू भैया के यहाँ, आप तो जानते होगा दीपू ब्लॉग, फिलहाल तो लव मैरिज शादी कर ली है, पिछली बार मिले भी थे, तो उन्हीं के यहाँ हम जा रहे हैं। एंड अभी हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर, गोरखपुर से भी लमसम 70-80 किलोमीटर दूर है उनका घर। अभी जो टाइम शाम को ऑलमोस्ट 4 बज चुके, मैं सोच रहा हूँ अगर अभी निकलूँगा ना तो जाते जाते 6-7 मतलब ऑलमोस्ट बज ही जाएगा, रात हो जाएगा प्रॉपर। तो मैं सोच रहा हूँ बस गोरखपुर में ही रुक जाओ, भाई हैं वो शायद आ रहे रिसीव करने के लिए। यहाँ पर आए थे, एक पुरानी दिन याद आ गए जब मेरा कुछ सब्सक्राइबर नहीं था, आई थिंक 1 से 2 हज़ार सब्सक्राइबर था, तब भी आया करते थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। यहाँ पर अगर रुकना भी होता तो मेरे को स्टेशन पर रुकना पड़ता था, एंड आज वो दिन है कि आज यहाँ पर रुकना, कहीं भी चले जाओ सिटी में, हमारा हर फैमिली के मेम्बर मौजूद रहते हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ें। भाई आज जो भी हूँ बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हूँ, एंड तो बस थैंक यू सो मच आप लोगों का। बाकी इधर गोरखपुर स्टेशन शायद हम काफ़ी पीछे उतर गए थे, तो यार फिलहाल का सीन ऐसा, हम आए थे गोरखपुर, एंड मिलवाते हैं आपको, मैं कहाँ रुका हूँ इधर मंदीप भाई के यहाँ रुके हुए हैं, मंदीप काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलकर, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लगा ना भाई। बिल्कुल भाई, तो फिलहाल गाइज अभी नौका विहार ना, हम नौका विहार के गौतम बुद्ध द्वार पे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं ना गोरखपुर पहले भी आया हूँ, बट क्या करता था कि आता था चले जाता था, लेकिन रुका कभी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम रुकना हो रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नौका विहार क्योंकि ये रात को काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। बाकी ये इसका मेन गेट रहा, और अंदर अभी चलकर देखते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ अंदर, होप करता हूँ अच्छा ही होगा ना। अच्छा ही, बहुत अच्छा चल रहे हैं ना पूरा। अच्छा अच्छा, गाय यहाँ से ई रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, काफ़ी दूर है क्या? नहीं नहीं ज़्यादा दूर नहीं है। कितना इसका एकड़ में फैला हुआ है ये? काफ़ी है, करीब 7, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 किलोमीटर में तो समझ सकते हो कितना बड़ा था। पहले क्या था ना, राप्ती नदी जो थी, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इसी रास्ते बहती थी, लेकिन कुछ कारण हुआ सब रास्ता बदल लिया और यहाँ पे एक बड़ी सी झील बन गई, तालाब बन गया, बाहर कुछ ऐसा ना जा रहा है। भाई साहब ये प्रॉपर नौका विहार हुआ, यहाँ से शायद बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल मुझे मुंबई का मरीन ड्राइव वाला फील आ रहा है, ठीक है, बस वहाँ पर फर्क ही है कि मुंबई में समंदर है, यहाँ पर एक झील है, मार्केट भी है अंदर क्या? हाँ
हाँ ये सब मार्केट में मतलब रेस्टोरेंट है और खाने के लिए मतलब सब कुछ ले सकते भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ, काफी अच्छा जगह लग रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नौका विहार का मेन पॉइंट पे, जहाँ से देखने में अलग ही खूबसूरती नजर आती है। जो लोग गोरखपुर से हो बहुत लकी जगह पर आते हो आप लोग यार, देखो। भाई सब सीन ऐसा है, हम लोग नौका विहार से अभी आ चुके हैं। कौन सा मॉल है? ओरियन मॉल। ओरियन मॉल गोरखपुर का मतलब सबसे बड़ा। हाँ तो भाई सब कुछ ऐसा है, दूर से देखे तो मन किया कि चले अंदर। 26 जनवरी के लिए डेकोरेट किया गया, काफी अच्छा लग रहा। फिलहाल अंदर चल, शॉपिंग करना नहीं है, बस घूमने जा रहे हैं। क्या खतरनाक डेकोरेट किया गया यार, अंदर आने के बाद अलग ही लेवल का फील आ रहा। डेकोरेट कितना अच्छे से किया गया ये। जो भी हो रहा आज हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, मतलब ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि आगे गोरखपुर में ये मॉल देखेंगे, नौका विहार जाएंगे। मेरा तो एक ही प्लान था कहीं दीपू भैया ही जाना था, बट वहाँ तो जाने पाए, बट यहाँ पर आगे अच्छा लग रहा भाई, घूम के तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट मॉल तो गए हो गए, लेकिन मॉल के ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आपको बाहर का व्यू दिखे। ये व्यू कितना खतरनाक दिखता है, आराम से आओ, अपने बंदी के साथ आओ, यहाँ पर चिल आउट करो, है ना भाई, एक्सपीरियंस वाले हैं ना। अरे नहीं भाई यार। सो फिलहाल गाइज हम लोग मॉल घूल कर बाहर आ चुके हैं, एंड हम लोग कल सोच रहे पठान मूवी देखने के लिए, क्योंकि कल है 25 जनवरी और कल हो रहा पठान मूवी का रिलीज। मुझे नहीं पता मूवी कैसी है, मतलब आई थिंक अच्छी ही होगी, तो देखने का मन कर रहा है, तो देखते हैं कल का क्या सीन होता है। अभी रूम पे जाते हैं, रूम पे जाकर बुक करते हैं टिकट वगैरह, अगर नहीं होगा तो फिर आपको पहले दिख जाएगा, नहीं तो फिर आगे का पता नहीं। अभी चलता हूँ रूम पे चलकर वीडियो का एडिटिंग भी करना, काफ़ी लेट भी हो गया, दोनों से वीडियो भी नहीं आया। तो भाई साहब फिलहाल का सीन ऐसा, हम आए थे दीपू भैया के घर पे, आप लोगों को पता है गोरखपुर आ रखे, एंड आज है 26 जनवरी, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हमारे साथ हैं दीपू भैया। हाँ कैसे हैं भैया? भैया अच्छे हैं, और आप सभी को जितने भी दर्शक देख रहे हैं हैप्पी रिपब्लिक डे, और हम लोग सेलिब्रेट किए हैं आज, हम लोग फुल मतलब झंडा वंडा तोलन कर रखे हैं। भैया एक्चुअली झंडा पर आए थे, शूट किए थे, तो उस वक्त थोड़ा सा हम लेट हो गए आने में, बट सेलिब्रेट तो हो चुका है। और इधर भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। सो थोड़ा सा हम ब्लॉग में देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा शर्माते हैं ना, इधर मम्मी जी हैं, है ना, खुश रहें बाबू, खूब सुखी रहें। और बाकी अभी सभी पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर लिया। हाँ, सब हो गया, बस यही कहना चाहते हैं यार दीपक भाई को प्यार दुलार दीजिए, बहुत जबरदस्त प्लानिंग बनाए, बहुत अच्छे जगह जाएंगे घूमने के लिए, तो बहुत सारे मजा आने वाला। तो भाई साहब अगर जो भी हमारे दर्शक भी गया तो वहाँ से आप लोग प्यार दुलार दीजिए, और जो दीपक भैया का दर्शक भाई यार हमें दीजिए, कोई हमें दीजिए या ना दीजिए, हमारे भाई को दीजिए, ठीक है। कहते हैं कि भैया लव मेरे शादी कहते हैं, तो अभी पार्टी लेना बाकी है, हम लोग अभी मस्त जगह शादी का पार्टी भी देंगे भाई, बिना लिए छोड़ेंगे नहीं, है ना मम्मी जी? ठीक है, आप हमारे तरफ से सहमत है ना पार्टी में? हाँ। दीजिएगा ना भाभी जी। हाँ, चलेगा अभी शाम की हो जाएगा पार्टी। हाँ, शाम को ही हो जाएगा, बाकी और भारत माता की जय। हमारे साथ मंदीप भाई रहे हैं ना, साथ में ही आए थे। आप सबको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भाई का चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक। अभी ये निवेदन है, झंडा फहरा के झंडे को फेंके ना, झंडे को ये चीज सही है, और इज्जत के साथ अपने घर में रखे। गाइस आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग तो यार घर में अपने मौज मस्ती करते हैं, उन लोगों का बहुत हार्ड स्ट्रगल रहता है जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, अपने देश को रक्षा करते हैं। भाई जितने भी देख रहे हैं हमारे भैया लोग, सभी लोगों को। तो बस गाइज आज के लिए ये छोटा सा वीडियो रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।